बहुत गर्म है पांडुरंगा बाबा। बुरे वली में किराएदार ने एक मकान मालिक को कुत्ते की तरह धो धो के घर से निकाल दिया। एक औरत के चक्कर में किराएदार ने एक मकान मालिक का गला घोट दिया। देवा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। लोग तो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, ये मकान मालिक क्या चीज है। वैसे ये मकान मालिक बड़े बेवकूफ किस्म के होते हैं, जान ना पहचान किसी को भी घर रख लेते हैं थोड़े से पैसों के लिए, और वो भी बिना लिखा पढ़ी। वैसे बाबू भैया, आप गांव में घर है ना आपके? नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर कल शाम ने आपको घर से निकाल दिया है? तो मेरा तो ठीक है, आप इस उम्र में कहां कुत्ते की तरह बढ़ोगे। देख राजू, जबान को लगाम दे, समझा? देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका, मेरा क्या है देख लेना। एक दिन इसके नाम से इतनी सारी लौंडियां इस घर में आएंगी, आप तो घर से बाहर होने वाले हो। ए देख राजू, मेरी कुंडली में खून लिखा मालूम है ना? हाँ, मेरी कुंडली में भी लिखा है कि मेरे हाथों में खूनी का खून होगा। कितना खून सवार है इसके सर पे, देख रहे हो कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। मेरी बात मानो तो एक सफेद कागज पे इसके दस्तखत दिखवा लो, वरना देखना खबर छप जाएगी अखबार में कि एक किराएदार ने शराबी मकान मालिक के सर पे बोतल मार के उसकी हत्या कर दी और सारा का सारा घर हड़प लिया। ए बहुत हो गया तेरा बकवास, चुप हो जा। बाबू आप इसे समझाइए। सच बात बोलता तू मेरे को कोरा कागज पे अपना दस्तखत दे दे रे बाबा। आपको मुझ पे भरोसा नहीं? ये इसके दिल में खोट है। तेरे दिल में खोट है, मैं तो किराया देके रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता है। हाँ तो मुफ्त में रहता हूँ तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ। तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो करना तू। हाँ तो तू भी करना। हाँ तो कागज लेके आना तू। तू कागज ले आ। अरे मैं क्यों लेके आऊं? तू लेके आ। तुम दोनों के दोनों बाहर जाओ, पेपर लेके आओ, जाओ। हे देवा, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ये लो, पेपर पे साइन किया है, इसने अभी तक नहीं किया, खोट है इसके दिल में। कहता हूँ ना, साइन कर रे बाबा, साइन कर। तू कर ले साइन, साइन कर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या हुआ? क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया? गाना? ये सब बहानेबाजी है, मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ ये साइन नहीं करने वाला। ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे, साइन कर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आपको गाना नहीं सुना दे रहा? कौन सा गाना? साफ सुनाई दे रहा है। ये गुरु घंटाल आदमी है, साइन नहीं करने वाला। मैं कहता हूँ इसका बोरिया बिस्तर उठाओ, बाहर फेंक दो इसको। ये तो साइन कर रहे, साइन कर रहे, गाना गाना लगा ले, साइन कर रहे, गाने। हेलो हेलो, देवी प्रसाद। नहीं देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे? सर वो मेरी मछली का क्या हुआ? वो तो मैं खा गया। खा गए? हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। श्यामा देवी प्रसाद, देवी प्रसाद कूतरिया साल्या। आज तुझे चांद से मार दूंगा। बाबू भैया, बाबू भैया, अरे कहाँ हो तुम? आज तुझे जान से मार दूंगा मैं राजू। क्या कर रहा है तू, पागल हो गया कि तू? अरे शाम क्या कर रहा है तू? अरे लग जाएगी। साला, साला,
पागल हो गया लल्लियां लोड को धक्का मारते तू आवाज आए बाबू भैया अरे मेरे घर में जो बच्चा है उसको बर्बाद करने पे क्यों तुला हुआ है आवाज आए बाबू भैया समझाइए इसे पहले मेरे को ये समझा कि इसको समझाना क्या है वो समझा जो कोरा कागज मैंने आपको साइन करके दिया था वो कहाँ है अरे कौन सा पेपर जो पेपर मैंने आपको साइन करके दिया था आपके भरोसे पर अरे भूल गया वो कबाट में रखा है ना उधर नहीं है इस राजू ने उस लड़की को दे दिया और उसमें ये भी लिख दिया कि मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है अब पूछिए उससे अब हट जाइए बाबू भैया आप हट जाइए आप हटिए मत आप यही खड़े रहिए आप हटिए मत भैया बस रे गप्प बस मैं इसे इसलिए जिंदा नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं जेल जाने से डरता हूँ बल्कि इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को एक दिन नौकरी करते हुए देखना चाहता हूँ तू जा रे बाबा तू जा और याद रखना अगर आइंदा को तोड़ा फोड़ो तो रात को रामलाल के साथ सोना पड़ेगा ये रामलाल कौन गली का कुत्ता वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती अपना रूप नहीं देखा उसने एक बात बता रहे वो कागज तूने चोरी किया ना तूने चोरी किया ना रवि साले अच्छा तेरे को कुछ लगा बगैर नहीं तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा है स्टाइल है बाबू भैया राजू का स्टाइल ये बाबू राव का स्टाइल है तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम यहाँ क्या कर रही हो अरे वो लड़की यहाँ क्या कर रही है नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है वो लड़की यहाँ क्या कर रही है नया अपॉइंटमेंट है किसकी इजाजत से ये क्या बदतमीजी है बदतमीजी तो आप लोग कर रहे हैं वो लड़की सर लट्टू किस बात के वो अनुराधा मैडम को नौकरी मिलने की खुशी में अच्छा तो लड्डू खिलाकर तुम सबको अपनी जेब में कर रही हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा समझे तुम जाके मैनेजर से क्यों नहीं पूछते जरूर पूछूंगा अरे क्या कर रहे हो आप इस कुर्सी पर मनमानी करने बैठे हैं क्या बात है प्रॉब्लम क्या आपकी आपने मेरी नौकरी उस लड़की को कैसे दी एक मिनट इसका जवाब इस चिट्ठी में ये चिट्ठी अभिगेन मेरी चिट्ठी जी हाँ इस चिट्ठी में लिखा है कि फिलहाल मुझे इस नौकरी की जरूरत नहीं है मैंने ऐसे कोई चिट्ठी नहीं लिखी है अच्छा तो फिर इस पर आपके दस्तखत कैसे आए पहचानिए ये सिग्नेचर ये दस्तखत आपके ही है ना देखिए गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है अरे क्या कर रहा है अरे सिक्योरिटी सर इसके पेट को फाड़ो अभी लेटर बाहर आ जाएगा अरे चुप यार मिस्टर श्याम अभी देखिए मैं क्या करता हूँ आप रुकिए अभी मैं देखिए अभी क्या करता हूँ इस बैंक की हालत मेरी बात सुनो भाई जरा मैं सबसे कह दूंगा कि आपने रिश्वत लेकर इस लड़की को नौकरी दी है हाँ फिर यहाँ से दोनों को निकलवा दूंगा ताकि यहाँ दो दो वैकेंसी हो एक नहीं अरे मैं फंस जाऊंगा यार क्यों फंसा रहे हो मुझे ऐसी बात है तो आप उस लड़की को स्थान से निकालकर मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए मेरे पास अपॉइंटमेंट ऑर्डर है मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता समझे तुझे मैं बाद में देख लूंगा पहले उस धोखेबाज को तो देखूं जिसने तुम्हें ये चिट्ठी दी थी आज तुझे चांद से मार दूंगा बाबू भैया अरे कहाँ हो तुम आज तुझे चांद से मार दूंगा मैं राजू क्या कर रहा तू पागल हो गया कि तू अरे शाम क्या कर रहा तू अरे लग जाएगी अरे मेरे घर में जो बच्चा है उसको बर्बाद करने पे क्यों तुला हुआ है आवाज़
चाहिए। बाबू भैया समझाइए इसे। पहले मेरे को ये समझा कि इसको समझाना क्या है वो समझा। जो कोरा कागज मैंने आपको साइन करके दिया था वो कहाँ है? अरे कौन सा पेपर? जो पेपर मैंने आपको साइन करके दिया था आपके भरोसे पर। अरे भूल गया, वो कबाट में रखा है ना। उधर नहीं है, इस राजू ने उस लड़की को दे दिया और उसमें ये भी लिख दिया कि मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। अब पूछिए उससे। अब हट जाइए बाबू भैया। बाबू भैया आप हट जाइए, आप हटिए मत, आप यही खड़े रहिए, आप हटिए मत। गप्पा बस रे, गप्पा बस। मैं इसे इसलिए जिंदा नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं जेल जाने से डरता हूँ, बल्कि इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को एक दिन नौकरी करते हुए देखना चाहता हूँ। तुझा रे बाबा तुझा। और याद रखना, अगर आइंदा को तोड़ा फोड़ो तो रात को रामलाल के साथ सोना पड़ेगा। ये रामलाल कौन? गली का कुत्ता। हो, वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने। एक बात बता रहे, वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? रवि साले। अच्छा तेरे को कुटला का बगैर नहीं, नहीं तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबू राव का स्टाइल है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत जरूरी है, प्लीज मेरी बात सुनो। अगर ये नहीं हुआ। अच्छा तो ये आप दोनों की मिली भगत है? मिस्टर शाह मत लगाइए। बैंक के अंदर हम मैनेजर हैं, मगर बाहर तो अच्छे दोस्त हैं। तो फिर हाथ में हाथ डालकर ड्यूट क्यों नहीं गाते आप दोनों? तुम चुटकुले बड़े अच्छे मारते हो, गुड जोक्स। देखिए कंधे पे बैठकर कान मत खाइए आप। आखिरी बार कह रहा हूँ, इस लड़की को नौकरी से निकाल के नौकरी मुझे दे दीजिए, वरना आपकी नौकरी तो क्या, आपकी रिटायरमेंट की भी प्रॉब्लम खड़ी कर दूंगा मैं। जा 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 जा। अब हम दोनों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ। सोचो, तुम एक औरत हो। सोचना क्या है, वो तो मैं हुई। तुम हसीन हो, वो जवान है, तुम चाहो तो उसको अपने वश में कर सकती हो, मेनका की तरह। वो सब करना मुझे नहीं आता। मैं सिखाता हूँ। सोचो, वो विश्वामित्र है जो नौकरी के लिए तप कर रहा है, मैं इंद्र की तरह तुमको मेनका बनाकर उसके पास भेज रहा हूँ, उसका तपो भंग करके एनओसी लेटर हासिल करने के लिए। मुझसे ये प्यार व्यार का नाटक बिल्कुल नहीं होगा। अरे प्यार का ना सही तो दोस्ती का नाटक करो, कुछ भी करो, उसको समझाओ, वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी नौकरी चली जाएगी। प्लीज थोड़ी कोशिश करो, प्लीज मैं कह रहा हूं, मानो मेरी बात। हाँ सेटिंग किया आपने? हाँ भाई हो गया, बड़ी मुश्किल से हुआ, ऊपर वाले की मेहरबानी है। सुनो अपना भी जमा दो ना। क्या क्या, ऐसा कोई दूसरा रापचीक माल है क्या? What nonsense! आप मुझे समझ क्या रहे हैं? दलाल? मैं मैनेजर हूँ, दलाल नहीं, मैनेजर हूँ, समझे? ठीक है मालूम है, आप जैसे लोगों को भी आजकल इज्जत से बुलाना पड़ता है। मस्त रापचीक माल बताओ ना, फोटो वीडियो बताओ ना, क्या इसमें? बदतमीज आदमी। अरे सुनो, अरे जाओ यहाँ से। अरे पैसे ले लो ना तुम। मैं कहता हूँ मेरे पीछे छोड़ो। अरे डबल ले लो ना यार। अरे जा यहाँ से। अरे तेरे को एडवांस मांगता है क्या? मैं कहता हूँ जा यहाँ से। अरे मस्त माल बताना। अबे जा यहाँ से, मैं कहता हूँ। अरे कल मिलता है क्या? साले को मारूंगा। ये माटिया चाय से ज्यादा साला किटली गरम है। मेरा पीछा क्यों कर रही है तू? हाय क्या मर्दाना चाल है। मेरी या तुम्हारी? उफ ये गुस्सा तुम्हारी नाक पर कितना हसीन लगता है। शर्म नहीं आती खुलेआम किसी मर्द को छेड़ते हुए? चिल्लाकर पुलिस वाले को बुला दूंगा। ठीक है ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाती हूँ, इस नौकरी से इस्तीफा दे देती हूँ।
उसके बदले तुम 50,000 रुपए दे दो। चलो क्या 50,000? चिल्लाओ मत, 50,000 बोल रही हूँ, 5,00,000 रुपए नहीं बोल रही हूँ। बहुत ही मामूली रकम है, इस नौकरी के लिए लोग 1,00,000 रुपए देने को तैयार हैं। क्या शेंडी लगा रही है मुझे? एक भूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे।